सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल बिस्टन बॉय में। मैं हूँ आपका होस्ट शारुल और आप देख रहे हो बिस्टन बॉय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग यार, उम्मीद करता हूँ बहुत 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 ही अच्छे होंगे। तो यार आज बात करने वाला हूँ सीजन 16 इलाइट पास के बारे में। तो ऑलरेडी वो रिव्यू हो चुका है, बहुत लोगों को पता चल चुका है एंड बहुत लोगों को पता नहीं है। जिनको भी पता नहीं है तो वीडियो को प्रांत तक देखना, मैं ए टू जेड बताने वाला हूँ क्या क्या है इस वीडियो में, इस इलाइट पास में, एंड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो यार और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी क्लिक करके रखना, नया वीडियो आते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं पहला जैकेट, फीमेल का जैकेट सही है, ठीक है। इस बार का जो इलाइट पास है आई थिंक जो गया सीजन है उससे अच्छा है, ठीक है, उससे बेटर है मैं बता रहा हूँ। एंड लोगों की बात करें, लोगों भी सही है, लोगों का कुछ डेकोरेशन जो किया है वो लोग ने गिरने वालों ने सही है। एंड बात की जाए गन स्किन के बारे में तो ये AN94 जो गन है उसका परमानेंट स्किन आपको मिलने वाला है। बता दूँ इसका डैमेज डबल होगा, ठीक है, डबल डैमेज का होगा। आप इसको यूज़ कर सकते हो, पूरा प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो, डबल डैमेज का गन होगा, परमानेंट स्किन मिलेगा। पैराशूट की बात करें, पैराशूट भी आपको मिल जाएगा परमानेंट। एंड बात कर देता हूँ ये कौन से चीज़ से रिलेटेड है ये इलाइट पास, ये निंजा रिलेटेड से है, ठीक है, निंजा कॉस्ट्यूम से रिलेटेड है, निंजा कॉस्ट्यूम में मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये रहा बैनर, बैनर भी बहुत ही अच्छा खासा बैनर है। एंड बात कर लूँ इस बार का जो अपडेट के बाद जो जो चीज़ बदला हुआ है बहुत ही अच्छा है, एंड लोगो भी अच्छा है और लोगों के साथ आपको बाउंड्री टोकन भी देखने को मिलेगा। एंड ऊपर आपको एक गोल्ड डायमंड वाउचर भी मिल जाएगा और पेट फूड भी मिल जाएगा। एंड बात करते हैं फीमेल का जो ड्रेस है, ठीक है, फीमेल का ड्रेस आपको बता देता हूँ। फीमेल का ड्रेस निंजा के साथ जुड़ा हुआ है, निंजा अगर आपको पता होगा तो निंजा है, तो निंजा ये है, तो निंजा जो मतलब निंजा का जैसे ड्रेस होता है तो ऐसा ही है अभी तक। मतलब ड्रेस तो मुझे सही लग रहा है, आपको भी बता देना, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको। एंड रही बात ये ड्रेस का, ऊपर मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले जो इलाइट पास गया है ना उससे तो बेटर है आई थिंक, क्योंकि देखो पहले का जो इलाइट पास, अभी 15 जो इलाइट पास चल रहा है ना उससे तो मैं बोलता हूँ ना 1000 गुना ये बेटर है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइनिंग है तो जो किया है वो लोग ने बहुत ही अच्छा डिज़ाइनिंग किया गया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। गरीना वाले थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। एंड देखो यार अभी बहुत सारा गेम, अभी अपडेट आने के बाद थोड़ा गेमिंग में थोड़ा लैगिंग का प्रॉब्लम दिख रहा है, तो वो भी धीरे धीरे फिक्स हो जाएगा, परेशान मत, तो वो भी ठीक हो जाएगा। एंड जो इमोट आया है, जो इमोट का स्टिकर जो आया है, जाके आप वहाँ पे इमोट दिखा रहे हो, वो अभी काम नहीं कर रहे, वो शायद अभी और अपडेट आएगा उसके बाद ही वो शायद चालू कर दिया जाए, ठीक है। एंड अभी इलाइट पास में आ जाते हैं वापस, तो इलाइट पास में देखिए अभी ये P90 जो स्किन है भाई, देखो हमारे पास इसका कोई स्किन नहीं था, ठीक है, कोई भी स्किन नहीं था इसका, बट गरेना ने इसको दे दिया अभी इलाइट पास में परमानेंट, ठीक है। एंड इसका भी बता दो, इसका भी डबल डैमेज होगा या तो रेंज इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसके थ्रू आप मतलब बंदे को मतलब MP14 के थ्रा यूज़ कर सकते हो, और जो भी बंदे AWM चलाना चाहते हो तो प्लीज़ आप P90 के साथ AWM ज़रूर चलाना, ठीक है। बैकपैक की बात कर लूँ भाई, बैकपैक तो एकदम धासू है, मुझे लग रहा है सब तलवार इसमें जगह हो जाएगा, ठीक है, आपका मेडिकेट सब कुछ इसमें जगह हो जाएगा, बस ये तलवार का जो कहते हैं ना क्या, वो तलवार का जो बैकपैक होता है कुछ इस तरह है, निंजा का सूट से है तो निंजा की तरह ही बनाया गया है इसको, देखा जाए तो देख सकते हो तलवार। तो मेरे पास भी एक तलवार है, आपको अगर एक बार देखे होंगे बहुत पहले एक तलवार आया था, ठीक है, तो वो तलवार आपको भी यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 लेवल 3, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से बैग भी इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है, इस बार का इलाइट पास ना इतना भी बुरा नहीं है और अच्छा भी, इतना हाईफाई नहीं है, लेकिन हाँ अगर देखा जाए तो सही है, अच्छा है। एंड रही बात यहाँ पे आपको एक ड्रेस मिल जाएगा मेल का, यहाँ पे भी आपको लोगो वोगो वगैरह देखने को मिल जाएगा, बट ये सब हम यूज़ नहीं करते, आपको भी पता होगा और हमें भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायमंड वाउचर, सॉरी बाउंड्री टोकन एंड गोल्ड और एक बैनर, ठीक है, बैनर भी बहुत ही अच्छा है, डायमंड जो क्या कहते हैं हीरोइक का जो बैनर है उस तरह है। एंड रही बात सर्फ बोर्ड ही अच्छा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा अगर और थोड़ा डेकोरेशन किया जाता है तो थोड़ा और अच्छा होता मेरे हिसाब से। आपका क्या ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा जितना भी बता रहा हूँ कि इसमें से थोड़ा और अच्छा होता तो और अच्छा होता, ठीक है, मतलब थोड़ा और इंक्रीज़ किया जाता तो और भी बढ़िया था, अगर ना थोड़ा और इंक्रीज़ करता तो आई थिंक कि और अच्छा दिखता ये सर्फ बोर्ड, बट जो भी है सही है, चलो कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे बात कर लेते लोगों का भी और एक अच्छा, ठीक है, लोगो सही है। एंड यहाँ पे गोल्ड वाउचर, एंड अब बात करते हैं बैनर के ऊपर, तो बैनर आपको मिल जाएगा फ्री में, जो ऊपर में है वो फ्री में मिल जाएगा, ठीक है, आपको इतना सारा ये कलेक्ट करना पड़ेगा, बेजेस कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फ्री मिल जाएगा। अब बात करते हैं लूट बॉक्स के ऊपर, तो ये है लूट बॉक्स भाई, ज़बरदस्त लूट बॉक्स, मुझे एकदम बहुत अच्छा लगा। देखो क्यों बता देता हूँ,
जितने भी आप किल करोगे ना चारों तरफ ये लाइट की तरह मतलब बिखरते हुए रहेंगे, तो कोई भी दिखेगा तो लाइट जलता चलाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया लूटबॉक्स है, मुझे नहीं पता बाकी सब कैसा है, लेकिन हाँ मुझे लूटबॉक्स ना बहुत ही धांसू लगा, क्योंकि ये जब भी मार देगा ना कोई तो उसको आप नीचे गिरा हुआ लिखे चारों तरफ लाइट जल रहा होगा। और ये रहा दूसरा सर्फ बोर्ड, ये भी थोड़ा अच्छा खासा है। ये सर्फ बोर्ड सीजन एक के साथ रिलेटेड रखता है, ठीक है। सीजन एक में जो इलाइट पास आया था उसके साथ थोड़ा थोड़ा मैचिंग होता है, अगर आपने वो देखा होगा तो। अगर सीजन एक का इलाइट पास जिसने भी देखा है तो इस सीजन के और इसके मैच होता है। इमोट की बात करें तो ये एक अगर ये मतलब मेरा हिसाब से इस इलाइट पास में ना वो कंफू का इमोट देना चाहिए था, लेकिन इसमें नाचने वाला इमोट दे दिया, तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन है मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है। एंड रही बात इधर में कहाँ गया, ये अभी जो बैकपैक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो बैकपैक भी सही है। बैकपैक अभी पहले उधर ऊपर देता था, अभी बैकपैक उधर नहीं दे रहा है, बहुत लोगों ने शायद कुछ बात वत हुई होगी उसके बाद से अभी बैकपैक ऊपर नहीं दे रहा है। बैकपैक अभी इलाइट पास जो खरीदा हुआ है उनको ही मिलेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो जिनको अच्छी भी है और बुरी भी है उनको भी मिलना चाहिए था और हमें भी मिलना चाहिए, सही है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं ऊपर में जो ड्रेस है, वो ड्रेस आपको मिल जाएगा फ्री में, अगर आप पूरा बेचेस कलेक्ट करते हो तो मिल जाएगा, ठीक है। एंड रही बात हमारा मेल कैरेक्टर का जो ड्रेस है, भाई बता दूँ फीमेल का मुझे अच्छा ज़्यादा तो लगा नहीं है, लेकिन हाँ मेल का कैरेक्टर की बता दूँ तो सही है, जितना भी बोलो आप सही है, एक अच्छा ड्रेस तो बनाया गया है। लेकिन हाँ इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, अगर आप गौर करेंगे तो बहुत ही डेकोरेशन किया गया है। एंड निंजा के हिसाब से एक निंजा ड्रेस ऐसा ही होता है, आपको ही पता होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी चीज़ आपको सही नहीं लग रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड रही बात इस इलाइट पास का, मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए, ठीक है। अगर ये इलाइट पास आप लेते हो तो आई थिंक अच्छा होगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे डेकोरेशन सही से है। एंड आई थिंक ये इलाइट पास आपको लेना चाहिए, अच्छा है और मेरे हिसाब से मैं भी लूँगा। एंड अगर आप चाहिए तो आप ज़रूर ट्राई करना, इलाइट पास अच्छा है और मेरे हिसाब से आपको लेना भी चाहिए, ठीक है। एंड इसका ड्रेस का जो आप देख सकते हो हेलमेट, तो हेलमेट का जो मास्क जैसा है सही है, एकदम धासु है, कोई मतलब इसमें शक नहीं कि गरीना ने कुछ इस बार गलत किया है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब मैं तो पूरा सही हूँ कि नहीं, ड्रेस इस बार अच्छा है, तो आपको भी देखना पड़ेगा कि ये कहाँ तक मतलब अच्छा है। और आप मुझे मतलब ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि ये इलाइट वास आपको कैसा लगा। एंड गाइस माफ़ करना कि बहुत लेट से वीडियो डाल रहा हूँ यार, क्योंकि कुछ रीजन से मैं बता नहीं सकता सबको, बट हाँ अभी भी व्यूज़ मेरा नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी व्यूज़ सब लोग डाउन हो गए पता नहीं क्यों, परसों वीडियो डाला था अभी तक 2000 भी व्यूज़ नहीं आया, ठीक है। तो कोई बात नहीं यार, देखते हैं क्या होता है। एंड अगर आपको इलाइट पास चाहिए तो अभी से मेंबरशिप लेकर रख दो, तो आई थिंक आपको आगे जाके काम आएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये इलाइट पास लेना चाहिए, आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलाइट पास अच्छा है। जहाँ तक देखा जाए तो पिछले सीजन का जो इलाइट पास है उससे तो अच्छा है, गारंटी, ठीक है। तो यार आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो यार ज़रूर लाइक करना, और ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना, जिसको भी पता नहीं उनको भी शेयर कर देना, ठीक है। एंड गाइस माफ़ कर देना वीडियो लेट है, क्योंकि वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ मैं, अभी ऑफिस का भी काम ज़्यादा हो गया, इसलिए मतलब काम के कारण उधर से प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए मतलब वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट कुछ दिन और मैं सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यार मैं मिलूँगा एक नए वीडियो में नया कुछ टॉपिक लेके, आई सी यू नेक्स्ट वन, टेक केयर, गुड बाय। ना गली से ना मोहल्ले से मैं निकला हूँ सड़क से, मामा की दादागिरी उगड़ भड़क के हम पे फिर भी छोड़ा ना तोड़ा रुला, क्यों क्यों पाला पड़ा तेरा सड़क से, भटके जो लेते झड़प में तल्ला हटा वट्टा, ऊपर से नीचे से पीछे से देखे तू बहुत गलत किया तूने, हाँ थार, भो थार, क्या?